ये देखिए नल में पानी आ रहा है कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे चारा धो लिया अच्छे से, इसे कटवा लेते हैं खाने के लिए। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अभी बाहर का कुछ इस तरीके का सीन है और मैं अभी अपने शॉप से बाहर आके खड़ा हूँ और ये देखिए अभी बारिश होने वाली है बहुत तेज, पूरा काला बादल ऊपर में घेर लिए हैं और हवा भी चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए उस दिन जो आपको अपने शॉप पे झंडा दिखाया था वो पता नहीं कहाँ उड़ के गिर गया है, तो भैया बोले नया लगाएंगे और अभी देखिए बादल पूरा घेर लिया, अभी बारिश बहुत तेज आने वाली है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप सभी। ये देखिए बादल गरजने की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, काफ़ी तेज बादल गरज रहा है यहाँ पे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बड़े मोटे मोटे बूंदी गिर रही है ऊपर से और ये जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आपको बताया मैंने, ये देखिए बहुत मोटा मोटा बूंदी गिर रही है और थंडर स्टॉर्म भी हो रहा है साथ में और बादल भी काफ़ी तेज गरज भी रहे हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं जैसे कि आप सुन सकते हैं कि बादल गरजने की आवाज़ बहुत तेज है। ये देखिए शॉप में अभी आप देख रहे हैं बाहर बारिश हो रही है, तो अभी शॉप पे ही बैठते हैं, देखते हैं कुछ काम पेंडिंग होगा तो उसको क्लियर करते हैं। बारिश बंद हो चुका है और बहुत तेज थंडर स्टॉर्म भी हो रहा था और अभी उसके बाद बारिश रुकने के बाद लाइन भी यहाँ पे कट गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अंधेरे में बैठा हूँ शॉप पे और जैसा कि आप देखिए मेरे सामने वाला शॉप जो है वहाँ पे भी लाइन कट चुका है। ये देखिए अभी स्कूल के बच्चे तो अभी सोच रहा हूँ चल जाऊँ घर खाना खा लूँ, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगा, नहाने के बाद फिर शॉप पे आऊँगा। बरसात के टाइम में प्यारा बाहर में बिक रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए अमरूद काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे और अभी बरसात का टाइम है तो फिर पका पका प्यारा बिक रहा है यहाँ पे अमरूद, तो हम भी एक तो कटवा लेते हैं खाने के लिए कोई बढ़िया से देख के। बरसात का टाइम है तो अंदर में कीड़ा उड़ा रहता है तो आप देख के थोड़ा धो के अच्छे से खाएं, तो चलिए अभी एक प्यारा कटवा लेते हैं। वाला मैंने चूज़ किया है और काफ़ी फ्रेश भी लग रहा है, तो अभी पहले इसको धो लेते हैं नल पर ले जाके। ये देखिए नल में पानी आ रहा है कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे प्यारा धो लिया अच्छे से, इसे कटवा लेते हैं खाने के लिए। क्या बात है, तो ये देखिए अभी हमारा प्यारा अच्छे से कटिंग हो रहा है। तो काफी अच्छे से कटिंग हो गया है, तो चलिए अभी चलते दुकान में तो पैसा दे देते हैं। 2 hours later अभी 2 घंटे हो चुके हैं, लाइन नहीं आया है, लोड शेडिंग काफी देर से रखा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर शॉप क्लोज करके, चलिए चलते हैं घर, फिर शाम को आपसे भी ब्लॉग में मिलता हूँ। गाइस अभी दुकान से निकल के घर जा रहा था खाना खाने के लिए, तो देखिए फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। सावन के महीना में कब बारिश स्टार्ट हो जाएगी कुछ पता ही नहीं चलता है, तो अभी देखिए रिमझिम सावन का मौसम है, ये रिमझिम वाला बारिश है। ये देख रहे हैं घर में लाइन है और शॉप पे लाइन नहीं था, और ये देखिए हमारा लंच आ चुका है दोपहर का, ये देखिए राजमा चावल बना हुआ है और काफी टेस्टी लग रहा है, तो चलिए इसे खा लेते हैं फटाफट, फिर अभी जाएंगे ऊपर नहाने वाले, तो अभी ऊपर जाएंगे नहाएंगे, फिर शाम को ब्लॉग में आप सभी से मिलते हैं। देख रहे हैं मैं नहा के रेडी हो चुका हूं और जा रहा हूं शॉप पे, दोपहर में खाना खा के आके यहाँ पे थोड़ा देर सो गया था, फिर 5 बजे उठा, फिर नहाया और उसके बाद कुछ कपड़े थे धोने के लिए वो भी धो दिया हूँ, तो डाल दिए सूखने के लिए, तो अभी चलते हैं शॉप पे, चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी से। 6 बज रहे हैं और कुछ दिया बत्ती जला लेते हैं, ये देखिए धूप जला दी है दुकान पे और शाम का टाइम है तो लाइट वाइट भी सब जला दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। एक लाइट फिर से ख़राब हो गया जो अभी चेंज किए थे, अब फिर से उसको दिए हैं, वापस से चेंज करके नया देगा, अभी कुछ दिन पहले ही ख़राब हुआ था फिर चेंज करके नया दिया, फिर से कट गया, फिर से उसको दिया हूँ, फिर से उसको दिया हूँ तो वो चेंज करके दूसरा देगा, देखिए कब तक देता है वो, बाकी सब तो ठीक है। मेरा आईफोन बहुत दिन से बंद पड़ा था और इसको मैं चार्ज लगाया चालू हो गया है और मेरा फ्री फायर खेलने का मन है, तो जैसे ही फ्री फायर को ओपन कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है और अपडेट आया हुआ है, तो अपडेट पे क्लिक कर रहे देखिए क्या लिख रहा है,
ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा है, योर ऐप नॉट अवेलेबल, दिस ऐप इज करेंटली नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री और रेंज। तो ये शायद प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और इंडिया में शायद इसको बैन कर दिया है फ्री फायर को। तो अब कुछ नहीं, दूसरा गेम डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसको अब अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा। देखिए इसी में मैं फ्री फायर खेलता था जब मन होता था, तो अब इसको रिमूव करना पड़ेगा इस ऐप को, क्योंकि अब तो खेल नहीं पाऊँगा। यहाँ से इंडिया से हटा दिया गया, इसको बैन कर दिया गया इंडिया में फ्री फायर में। एक्चुअली मेरे शॉप पे होता क्या था कि जब फ्री फायर चल रहा था उस टाइम में बच्चे लोग क्या करते थे, घर से पैसा चोरी कर करके रिडीम कोड लेने आते थे, और कोई पैसा घर में मांग के लेके आता था। तो पता नहीं, बच्चे लोग ज़्यादा क्रेज़ था फ्री फायर का, तो ऐसा केस बहुत कुछ हो चुका है। तो इसीलिए शायद इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। फ्री फायर के वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ, पेपर में आए दिन आते रहता है न्यूज़ में। तो उसकी वजह से पहले पबजी बैन हुआ, फ्री फायर को भी बंद कर दिया गया। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा चाइनीज़ ऐप है और इंडिया का पैसा बाहर देश में जा रहा था, तो अच्छा ही हुआ बंद कर दिया गया। तो कुछ इंडियन गेम डाउनलोड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गेम डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, तो पता नहीं कैसा गेम है, तो इसे प्ले करके खेल के देखूँगा कैसा है। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। ये क्या, ये शायद कुछ चार्जेबल कुछ है, इसमें मेरा आईडी मांग रहा है। अब ये चालू हो गया है, लोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, इसे होने दीजिए और ब्लॉग में आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। सभी रात के 1 बज रहे हैं और एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी जा रहे हैं सोने के लिए। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कल एक न्यू ब्लॉग में आप सभी से मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।